केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रहलाद जी, बहुत बड़ी क्षति भारतीय राजनीति के लिए, सिर्फ बिहार के लिए नहीं, भारत के लिए भी। मैं सबसे पहले तो शरद भाई के चरणों में नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शरद भाई का हम सब मध्य प्रदेश में पैदा हुए लोग हैं जी, और मैं जेपी आंदोलन से, जब मैं छात्र राजनीति करता था जबलपुर में, तब से शरद भाई से हमारा संपर्क था जी। वो समाजवादी आंदोलन के कार्यकर्ता थे, हम लोग राष्ट्रवादी विचार को लेकर अलग अपना रास्ता तय करते थे, लेकिन हमेशा साम्य बना रहा। दो तीन बातें उनकी बेबाकी का मैं को पसंद करता था, सदैव पिछड़ों की बात करना, उस पिछड़ों की ताकत के लिए उनने किसी भी सीमा तक गए, और अगर उसमें मेरे जैसे लोगों को से भी उनको अगर असहमति थी तो वो कहते थे कि नहीं, मैं आप तुम्हारी बात से असहमत हूँ। लेकिन उस सबके बावजूद भी इतना वरिष्ठ नेता, इतने कम समय में एक मध्यवर्गीय परिवार से आने वाले व्यक्ति, जबलपुर में उन्होंने अध्ययन किया, वहीं छात्र राजनीति की, वहीं से पहली बार वो सम्मिलित उम्मीदवार के रूप में 1974 में संसद में पहुंचे। एक लंबा संसदीय अनुभव शरद भाई का था और समाजवादी आंदोलन के वो एक बहुत बड़े स्तंभ थे। और ये सच है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने जीवन भर अपने खुद के सिद्धांतों पर राजनीति की है, उनका जाना निश्चित रूप से लोकतंत्र की व्यवस्था में एक युग का, एक अध्याय का समापन मैं मानता हूं। और मैं छात्र जीवन से लेकर इस दलीय राजनीति के अनेक स्तंभों में मैंने उनको देखा है, और इसलिए मैं मानता हूं कि ये बड़ी गहरी क्षति है लोकतंत्र के लिए। प्रहलाद जी, सवाल तो लेकिन वही किया जा रहा है ना कि जिस परिपाटी को चलाने की कोशिश हुई, जिस जेपी आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, जिसके प्रमुख स्तंभ आप उन्हें बता रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जेडीयू कहीं भी उस राह पर है अभी? नहीं, मुझे लगता है कि इस पर टिप्पणी मुझे नहीं करनी चाहिए। समाजवादी आंदोलन का जो हश्र हुआ वो अलग बात है जी, लेकिन जिस कम उम्र के साथ में वो पैदा मध्य प्रदेश में हुए, पहली बार संसद सदस्य जबलपुर से बने, यहाँ पर उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, लेकिन उन्होंने चुनाव उत्तर प्रदेश से भी लड़ा, उन्होंने बिहार से भी लड़ा, और इसलिए मुझे लगता है कि जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, राजनीतिक परिस्थितियों में कोई अकेला आदमी चले जी और उस मुकाम तक पहुंचे, ये बड़ी बात थी। अब समाजवादी आंदोलन के दिशा में गया तो हम शुरू से उस विचारधारा के से हम कभी सहमत नहीं हुए हैं जी, और समाजवादी आंदोलन की जो का जो हश्र हुआ वो देश देख रहा है, वो बिल्कुल अलग बात है। उसमें कौन जिम्मेदार है ये समय उस बात पर जिक्र करने का नहीं है, लेकिन वो समाजवादी आंदोलन के स्तंभ थे, इससे कोई दो मत नहीं, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद जी हमसे बात करने के लिए। रविशंकर प्रसाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविशंकर जी, बहुत बड़ी क्षति भारत की राजनीति के लिए, एक साफगोई के साथ हमेशा किसी भी स्थिति में बात करने वाला शख्स हमारे बीच नहीं है। देखिए, मेरी बहुत संवेदना है, मेरी बहुत श्रद्धांजलि है। वो तो छात्र जीवन में सक्रिय थे, हम लोग से बहुत सीनियर थे, और जबलपुर से छात्र के रूप में आए, जनता ने उनको चुनकर जिताया भी, और बाद में समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता बने, और अटल जी की सरकार में हम लोग मंत्री थे साथ साथ। बाद में तो खैर नीतीश बाबू जब चले गए तो साथ अलग हो गया उनके साथ में, तो वो एक अलग बात है। लेकिन एक हिंदुस्तान की राजनीति का एक बहुत ही सुलझा हुआ मजबूत शख्स थे, उनका जाना बहुत दुखद है। प्रखर सांसद भी थे दोनों हाउस में, बहुत प्रभावी रूप से अपनी बात कहते थे। मेरी बहुत बहुत संवेदना। रविशंकर जी, अभी नहीं, बहुत लंबे समय से जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी तब भी बार बार यही कहा कि राजनीति में जो मुकाम, जो जगह उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, चाहे उसके अलग अलग कई सारे रीजंस रहे। जिन नीतीश कुमार के गुरु उनको माना जाता था, उस आंदोलन का बहुत बड़ा स्तंभ उन्हें कहा जाता था, जो मुकाम उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। अब आज का दिन वो सब चर्चा करने का है क्या कि लालू को उन्होंने आगे बढ़ाया, लालू ने अपनी पार्टी अलग से बना ली, नीतीश जी की पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नीतीश उसके नेता बड़े बन गए, तो बात करी मुझे चर्चा करने का नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, चर्चा हो जाएगी, बिल्कुल बहुत चर्चा हो सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।